नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में आज हम देखेंगे उसके सिलेबस के अंतर्गत एक सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। ये टॉपिक आपका मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कंप्यूटर में दिया गया है, ठीक है। ये आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस है जिसमें सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ना है और ये आपके मेमोरी यूनिट में दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण यूनिट है, उसको आज कंप्लीट रूप से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब मेमोरी, तो मेमोरी होता क्या है आप समझिए। तो कंप्यूटर का वह भाग जहां पर किसी भी डेटा प्रोग्राम या आपके इंस्ट्रक्शंस डेटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को स्थाई या अस्थाई तौर पर स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करूंगा, कंप्यूटर का वह भाग जहां पर किसी भी डेटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को स्थाई या अस्थाई तौर पर स्टोर करने की क्षमता मेमोरी कहलाती है। और मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जाता है, याद रखिएगा, मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ये याद रखिएगा, ओके। अब मेमोरी के बारे में देखें तो मेमोरी के यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हम लोग मेमोरी के यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिट ऑफ मेमोरी, ओके, मेमोरी की यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, याद रखिएगा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। और बिट, एक बिट का आपका देखोगे तो एक बिट को हम लोग किस रूप में देखेंगे, तो एक बिट को हम लोग जीरो या वन के रूप में देखते हैं। कोई भी डेटा या सूचना को हम लोग सबसे छोटी इकाई के रूप में स्टोर करें तो वो होता है बिट, और एक बिट को हम लोग जीरो या वन के रूप में देखते हैं, जो बाइनरी डिजिट होता है, ओके। जब यही चार बिट हो जाए तो ये चार बिट एक निबल बनता है, चार बिट मिल करके एक निबल बनता है, याद रखिएगा। और जब यही आठ बिट हो जाए तो ये आठ बिट मिल करके एक बाइट बनता है, याद रखिएगा, एक बाइट बनता है। और जब 1024 आपके बाइट हो जाए, 1024 बाइट हो जाए तो ये आपका एक केबी बनता है। और जब 1024 केबी हो जाए तो ये हो जाएगा आपका एक एमबी, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और जब 1024 एमबी हो जाए तो ये बन जाएगा एक जीबी, इसी तरीके से। और आगे देखें तो जब 1024 जीबी हो जाए तो ये आगे बन जाएगा एक टीबी, याद रखिएगा, ठीक है। और जब 1024 टीबी हो जाए तो ये आपका कहलाएगा एक आपका पीबी, पेटाबाइट, याद रखिएगा। इस तरीके से पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई आपका बिट, उसके बाद आपका निबल, उसके बाद आपका बाइट, उसके बाद आपका किलोबाइट, इसके बाद आपका देखोगे तो मेगाबाइट, फिर आपका गीगाबाइट, जीबी, ओके, फिर आपका टीबी, पीबी, एक्सईबी, फिर जेडबी, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये आपका मेमोरी का यूनिट हो गया। सबसे छोटी इकाई को बार बार पूछा गया है, मेमोरी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, तो बिट, याद रखिएगा।
और कितने बीट मिलकर के निबल बनता है, तो चार बीट मिलकर के आपका एक निबल बनता है, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दो निबल मिलकर के आपका एक क्या बनता है, बाइट बनता है, ओके, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, मेमोरी की यूनिट को बार बार पूछा गया है एसेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में इस तरीके से जमाने के लिए पूछा गया है, ये आपको याद रखिएगा। इसके बाद आप देखते हैं हम लोग तो मेमोरी के क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी देखते जाइए, एकदम आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आप देखोगे तो हम मेमोरी को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, इसको प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है, उसको द्वितीयक मेमोरी, उसी को हम लोग सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी देखते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को फिर से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग, एक होता है स्थाई मेमोरी जिसको हम लोग नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, और एक होता है अस्थाई मेमोरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वोलाटाइल बोलते हैं, याद रखिएगा, स्थाई अस्थाई। स्थाई के अंतर्गत देखें तो आपका रोम आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, प्रोम आ जाएगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपका ई प्रोम आ जाएगा, तो ये होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आप देखोगे ई प्रोम, ओके, ई प्रोम, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरीके से रोम वाली या स्थाई मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अस्थाई मेमोरी को देखें तो ये अस्थाई मेमोरी भी आपका फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होगा, एक होता है रजिस्टर याद रखिएगा, रजिस्टर, दूसरा होता है कैश मेमोरी याद रखिएगा, कैश मेमोरी, तीसरा होता है आपका रैम, ठीक है, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका स्टैटिक रैम और एक होता है आपका डायनेमिक रैम, याद रखिएगा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ओके, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसी तरीके से हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में देखोगे तो सेकेंडरी मेमोरी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी देखोगे तो दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ओके, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, ओके, मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को देखें तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा आपका ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकली आपका स्टोरेज डिवाइस, ओके, इलेक्ट्रिकली स्टोरेज डिवाइस, तीन पार्ट में यह डिवाइड होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब आपका मैग्नेटिक डिस्क को देखेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, आपका विंचेस्टर डिस्क, ये सब आ जाएगा। इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क में देखेंगे तो ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, आपका ब्लू रे डिस्क, बीआरडी और आपका एचवीडी, ओके। और इधर इलेक्ट्रिकली स्टोरेज डिवाइस देखेंगे तो पेन ड्राइव,
है ना, आपका मेमोरी कार्ड, चिप, मेमोरी कार्ड जिसको चिप बोलते हैं, चिप आपका, मेमोरी चिप, इस तरीके से ये इधर आ जाता है। आज हमको देखोगे तो इधर आप देखिए सिलेबस में दिया गया है स्पेसिफिक रूप से सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, जो मेमोरी यूनिट के ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, याद रखना है, मेमोरी यूनिट के ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है सीडी डीवीडी बीआरडी एचवीडी। ओके, इसी में सीडी फिर से डिवाइड होगा, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू। ओके, तो इसको याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के अंतर्गत देखोगे तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्थाई और अस्थाई, जिसको स्थाई को बोला जाएगा नॉन वोलाटाइल, इसको बोला जाएगा वोलाटाइल। याद रखिएगा नॉन वोलाटाइल फिर से फर्दर डिवाइड होगा रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। इधर अस्थाई मेमोरी के रूप में आप देखोगे तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रैम स्टेटिक और डायनेमिक दो प्रकार से फिर से यह डिवाइड होता है। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग डिवाइड करें तो आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक टेप और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और आपका इलेक्ट्रिकली स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में देखोगे तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, ये सब आपका मैग्नेटिक डिस्क में आएगा। ऑप्टिकल डिस्क में देखोगे तो सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सब आएगा। और इलेक्ट्रिकली स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत देखोगे तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ऐसे सब आएंगे। ठीक है, तो ये आपका, इसी को फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग चर्चा कर, एक्चुअली देखा जाए तो हमको तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आज का क्लास हम लोग आधे घंटे या 30-40 मिनट का रखेंगे, जिसमें स्पेशली व्यापम ओरिएंटेड आप ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, तो यहां पर देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क, इसी को हम लोग हिंदी में प्रकाशीय डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, प्रकाशीय डिस्क बोलते हैं। तो प्रकाशीय डिस्क देखोगे तो ये है आपका, देखिए गोल डिस्क होता है, तो ये आपको याद रखिएगा प्रकाशीय डिस्क को, ये आपका देखोगे तो पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट का बना गोल डिस्क होता है। देख रहे हो जैसा कि आपका यहां पर है, यहां पर गोल डिस्क होता है, पॉलीकार्बोनेट का बना गोल डिस्क होता है। और ये गोल डिस्क देखोगे तो इस पर चढ़ा रहता है आपका एल्यूमिनियम का लेयर, एल्यूमिनियम का लेयर एक साइड चला चढ़ा रहता है, जो आपके प्रकाश के रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन के लिए होता है। याद रखिएगा एल्यूमिनियम की एक चमकदार परत रहती है, चमकदार परत रहती है, याद रखिएगा। ओके, एल्यूमिनियम की चमकदार परत एक साइड रहेगा जो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के लिए होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये गोल्ड डिस्क देख रहे हो, ये गोल्ड डिस्क आपके ट्रैक में डिवाइड रहता है, अलग अलग ट्रैक में डिवाइड रहता है। ये गोल्ड डिस्क में जो भी डाटा या प्रोग्राम या आप इंस्ट्रक्शंस को इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करना है तो वो ट्रैक के रूप में अलग अलग जगह में आपका स्टोर रहेगा, इस तरीके से अलग अलग ट्रैक बना रहेगा। और ट्रैक देखोगे तो आप पर देखिए डिस्क किस में डिवाइड होता है, डिस्क क्या में डिवाइड हुआ, ट्रैक में, ट्रैक में डिवाइड हुआ, अलग अलग ट्रैक में। अलग अलग ट्रैक कौन सा होता है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, ऐसा एक दो तीन, ये सब ट्रैक कहलाएगा। और ट्रैक आगे चलकर आपका देखोगे तो सेक्टर्स में डिवाइड रहेंगे, किसमें, सेक्टर्स में डिवाइड रहेंगे। जैसे कि इतना और इतना को एक सेक्टर माना जाए, फिर ये एक हो गया, दो, ये तीन, इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड रहते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो आपका ये ट्रैक है गोल,
लेकिन यहां से यहां तक ये आपका क्या है, सेक्टर्स है, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्लस्टर कहलाते हैं, क्लस्टर्स याद रखिएगा, बहुत सारे सेक्टर्स मिल करके क्लस्टर्स कहलाते हैं। तो आपका ये डिस्क किस में डिवाइड हुआ, ट्रैक में डिवाइड हुआ, फिर ट्रैक से सेक्टर्स में डिवाइड हुआ, सेक्टर से वो बहुत सारे सेक्टर्स मिल करके आपस में क्या कहलाए, क्लस्टर कहलाए। अब देखोगे तो ये सेक्टर्स में जब आपका लेजर बीम, इस पर कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन आप इस पर स्टोर करना चाहते हो, तो स्टोर करने के लिए आपको इस पर लेजर बीम डालना पड़ेगा, क्या, लेजर बीम डालना पड़ेगा, लेजर बीम डालना पड़ेगा। और ये लेजर बीम जैसे इस पर डालोगे इस डिस्क पर, तो लेजर बीम डालने से आपके डिस्क पर एक गड्ढा बनेगा, ठीक है, ये गड्ढा बनेगा, याद रखिएगा, गड्ढा बनेगा। और उस गड्ढा के अंदर में ही क्या रहेगा, समतल चीज रहेगा, समतल आपका प्लेन रहेगा, ठीक है। तो गड्ढा क्या कहलाता है, ये गड्ढा कहलाता है पीट, और ये समतल चीज क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है, लैंड याद रखिएगा। इस पीट को हम लोग, गड्ढा को हम लोग देखेंगे और इसको लैंड को देखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा ऑप्टिकल डिस्क जो है, अलग अलग जब इंफॉर्मेशन इस पर डाला जाता है तो ये सेक्टर्स, ट्रैक, सेक्टर्स, फिर आपके पीट और लैंड के रूप में उसमें डिवाइड होते हैं, याद रखिएगा। इस पर आपको इसी में आपका इंफॉर्मेशन डाला जाएगा जिसको लेजर बीम के थ्रू पढ़ा या लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाएगा, ओके। जब देखते हो आप ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, क्षमता होती है, वो आपका एमबी से लेकर के आपका टीबी तक का होता है, ठीक है। और यही ऑप्टिकल डिस्क देखोगे तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के टाइप को देखोगे तो ये होंगे आपका सीडी, फिर डीवीडी, फिर आपका बीआरडी, फिर आपका एचवीडी, ओके, एचवीडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी, ओके, याद रखिएगा। तो आप ऑप्टिकल डिस्क में ये याद रखिएगा, ये पॉलीकार्बोनेट का बना एक प्लास्टिक का डिस्क, गोल्ड डिस्क का होता है, जिस पर एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ी रहती है जो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के लिए होता है। साथ ही साथ ये आपका प्रकाशीय डिस्क ट्रैक, सेक्टर और आपके पीट और लेंस में डिवाइड रहते हैं, ये भी याद रखना है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी क्षमता देखोगे तो एमबी से लेकर आपका टीबी तक रहेगा। इसके अलावा इसका टाइप देखोगे तो सीडी, डीवीडी और बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी आपका होलोग्राफिक वर्सटाइल आपका डिस्क, ये आपका एचवीडी के अंतर्गत रहेगा, तो उसको आपको याद रखना है। थैंक यू।